रोहिणी सेक्टर 11 में एक सभा को संबोधित करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने एक बुक का लॉन्च किया। ध्यान से देखिए इन सभी तस्वीरों को जिसमें मनीष सिसोदिया के द्वारा माइंड हेल्थ एंड यू नामक बुक का प्रक्षेपण किया गया। ये बुक सभी वर्ग के लोगों के लिए लाभप्रद है। नमस्कार, सीसीएन न्यूज चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं दिनेश, इस समय कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद हैं विकास अग्रवाल जी। विकास जी ने एक पुस्तक निकाली है, माइंड हेल्थ एंड यू। इस किताब का विमोचन हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के हाथों के द्वारा किया गया है। इस किताब के बारे में हमारे विकास अग्रवाल जी से इसके बारे में बात करूंगा। विकास अग्रवाल जी, कैसे हैं आप? आई एम एब्सोल्युटली फाइन सर। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने एक किताब निकाली है, माइंड हेल्थ एंड यू, इसके बारे में हमारे को थोड़ा बताएं। हाँ जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया जिससे मैं लोगों को इस पुस्तिका का जो मैसेज है मैं सबको पहुँचा सकूँ। अब मैं किताब को एक बार आप अपनी किताब को एक बार दिखा दीजिए। हाँ, इस किताब का टाइटल है माइंड हेल्थ एंड यू। यू कैन सी हियर, रीडर कैन एन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, मतलब आप संदेश क्या देना चाहते हैं रीडर्स को? ये किताब जो है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स कवर करती है, माइंड कंडीशनिंग, बॉडी इमेज, रिलीजन, ह्यूमर, लव, एवरी काइंड ऑफ इमोशन इट इज कवरिंग, इवन म्यूजिक एंड टॉपिक्स लाइक हेल्थ रिस्क, न्यूट्रिशन एंड अदर टॉपिक्स आल्सो। मतलब आपने इस पुस्तक के अंदर काफी सारे टॉपिक्स एक बार में कवर करे हैं। रीडर को बार-बार हर एक किताब रेफर ना करनी पड़े। जैसे कि इसमें माइंड कंडीशनिंग और मेडिटेशन टेक्निक पे भी फोकस किया गया, तो ये किताब रीडर को बताती है कि वो कैसे अपनी जो रेस्ट ऑफ लाइफ है वो हैप्पीनेस में और फोकस कर सकता है वर्क में। नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लॉस हो जाता है, फिर हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, फिर वो काम करना छोड़ देते हैं, या फिर हमारा जो है एफिशिएंसी इतना लॉस हो जाता है वर्क का, हम सही टाइम पे वाला काम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो ये किताब आपको फोकस करना या मेडिटेशन को आपको इम्प्रूव करना, मेडिटेशन से कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ये किताब उसके बारे में भी आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती है। तो जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है माइंड कंडीशनिंग का, तो ये बताता है आपको कैसे आप एसोसिएट कर सकते हैं किसी भी वर्क को। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि 4 वर्ड यूज़ करके आप किसी भी लाइफ सिचुएशन में आप नेगेटिव सिचुएशन से आप निकल सकते हैं और आगे जो है अपने वर्क को फुल कंसंट्रेशन करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। मेरा एक सवाल रहेगा विकास जी आपसे, अगर इस पुस्तिका को कोई लेना चाहे, मार्केट से परचेज करना है, तो वो कहाँ से इसको ले सकता है? इसको वो अमेजोन से भी परचेज कर सकता है, सारी वेबसाइट से भी परचेज कर सकता है, और ऑफलाइन में भी ये जो काउंटर्स होते हैं जहाँ पे इस तरीके की किताब मिलती है वहाँ से परचेज कर सकता है। नॉर्मली एकेडमिक बुक्स जो होती है वो स्टेशनरी शॉप्स पे मिलती है, तो ये वहाँ पे नहीं मिलती, इस तरीके की बुक्स की वहाँ पे डिमांड नहीं होती, लेकिन जो अच्छे शोरूम्स होते हैं वहाँ पे ये बुक मिल जाएगी। और जो ये पब्लिशर है ज्ञान पब्लिशर्स, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये उसकी वेबसाइट से भी मिल जाएगी, और सभी मीडिया इवन amazon.com.in, फ्लिपकार्ट वगैरह सभी मीडिया जो जितने भी आपके वेबसाइट्स है, मार्केट प्लेस है, सब जगह अवेलेबल रहेगी। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, आप इस किताब को माइंड हेल्थ एंड यू, ये आपके काफ़ी काम आने वाली है, और आप इसको अमेजोन जैसे साइट्स पर, बुक सेंटर्स पर इसको आराम से खरीद सकते हैं। चलिए हम इसके बारे में कुछ और भी बात करेंगे। विकास जी ये बताइए, ये युवाओं के लिए कहाँ से, मतलब कहाँ तक सार्थक रहेगी ये पुस्तक? युवाओं के लिए, जैसे आज की डेट में वो जॉब भी करते हैं और वो मतलब किसी भी फील्ड में अगर वो जाते हैं, चाहे वो प्रोफेशन हो चाहे बिजनेस हो, किसी भी फील्ड में जाते हैं उन्हें सक्सेस चाहिए होती है, या फिर हम उन्हें हमेशा काम में ध्यान लगाना होता है, फोकस करना होता है। इवन एक ऑफिस में एम्प्लॉई है, अगर वो काम कर रहा है, अगर काम को अगर बिना इच्छा से कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो पूरा आउटपुट नहीं दे पाएगा। तो अगर इस वाली किताब को अगर वो यूज़ करता है, इसकी टेक्निक अगर वो फॉलो करता है, तो ऑब्वियसली वो वर्क को ईजिली कम्प्लीट कर पाएगा और वो अपनी काम में हमेशा खुशी महसूस करेगा। और इसी तरीके से जैसे स्कूल में बच्चे हैं वो फोकस नहीं कर पाते स्टडीज़ के अंदर, तो वो अगर इस किताब की टेक्निक यूज़ करेंगे तो वो उनका जो अटेंशन है
टॉपिक्स पे उनके वो इंक्रीज होएगा और वो हमेशा खुशी महसूस करेंगे जब भी ये फॉलो करेंगे। और अगर मैं महिलाओं की बात करूँ, महिलाओं के लिए किस यूज़ में आ सकती है पुस्तक आप? महिलाओं के लिए भी उनको भी हर काम पे फोकस की ज़रूरत है, तो मतलब सब चीज़ें हैं जो हेल्थ न्यूट्रिशन है, चाहे म्यूज़िक है, चाहे लव है, इसमें सारे टॉपिक्स मेंशन है। तो अगर कहीं भी अगर कुछ भी अगर करे तो ऑब्वियसली चाहे वो बच्चा हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी वर्ग का इंसान हो, सबके लिए इसके अंदर न्यूट्रिशन और डाइट प्लान भी दिया हुआ है। तो वो ये किताब जो है हर एक टॉपिक से लेके जुड़ी हुई है, तो इसलिए हर फील्ड और हर जगह ये उसको यूज़ कर सकता है वो। जो भी प्रोग्राम को देख रहे हैं, उस देखने वाली जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इस किताब को लेकर? मैं जनता को ये मैसेज देना चाहूँगा, जैसे कि किताब में भी लिखा हुआ है मैंने, इसमें हर एक जितने भी प्राणी हैं जो सांस ले रहे हैं, जैसे हम मनुष्य हैं, उनको कम से कम 45 मिनट्स की एक्सरसाइज ज़रूरी है और 15 मिनट्स का वो मेडिटेशन भी कर सकते हैं, और कुछ भी बोलने से पहले उनको 5 सेकंड या 2 सेकंड अगर वो पॉज करके अगर बोले तो वो ज़्यादा बेटर होएगा। इससे क्या होगा, उनको सक्सेस मिलेगी और उनकी जो हेल्थ है वो भी बनी रहेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पुस्तक है माइंड हेल्थ एंड यू, विकास अग्रवाल जी ने इनको निकाला है, और इसका जो विमोचन किया है वो हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के द्वारा किया गया है। मैं जनता से विनती करूंगा कि इस चीज़ का आपको ज़रूर एक बार लें। मैं दिनेश, कैमरामैन हरिराम जी के साथ CCN न्यूज़ दिल्ली।